मांग रहे हैं पाकिस्तान के अंदर फेयर इलेक्शन, पाकिस्तान के अंदर फेयर अदलिया, पाकिस्तान के अंदर आजाद काला कोर्ट, जो कि नहीं है। ठीक है, हर उठती हुई गोली, हर उठती हुई मुजाहमत जो है ना, वो वकील के सर से ही होके, वकील को ही अपना सर देना पड़ता है। वकील अब बना दिया, वकील ने पाकिस्तान बचा लिया, वकील ने पाकिस्तान ठेका लगा हुआ वकीलों का, पाकिस्तान का। आप लोग भी निकले, ये जो गेट पे इन्होंने चौकी चोर चौकीदार, आज मैंने चौकीदारों की ताकत देखी है कि वो इदारों वकला के इदारों के बाहर खड़े होके वकला को अंदर जाने नहीं देते। कहते हैं कि जी सानू मछालियां का ऑर्डर है, सानू बांदरी, कहते हैं जी सानू बांदरी का ऑर्डर है कि जी नहीं जान देना शेरा नू, कहते हैं सानू बांदरी का ऑर्डर है कि शेरा नू नहीं जान देना, बांदरी शेरा नू नहीं रख सकती। उनकी खातिर भी जिंदा है, कानून की खातिर भी जिंदा है, मजदूर की खातिर भी जिंदा है, उस किसान की खातिर भी जिंदा है, उस गरीब की खातिर भी जिंदा है, उस मजलूम की खातिर भी जिंदा है, उस जो है वो हर इम्पोर्टेड हुकूमत इम्पोर्टेड चोरों के जुल्म सतम सहने वाले हर उस पाकिस्तानी के लिए ये वकला जिंदा है। हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो मौजूद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जैसे कि फैसला दिया था कि जी इलेक्शन 90 डेज के अंदर जैसे कि होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आइन की किताबें सीने से लगाकर पार्लियामेंट में आने वाले कुछ हमारे मुजाहिदीन काजी और गाजी, ठीक है, अब वक्त के काजी और फ्यूचर के गाजी अपनी तरफ से जो है ना वो ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लाकर बताते हैं कि जी ये आइन कहता है, तो वही कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए, वही कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि इलेक्शन को जो है ना ये केयर टेकर गवर्नमेंट को 90 दिन के अंदर घर जाना चाहिए। तो किस वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, किस वजह से जो है वो इलेक्शन को रोका जा रहा है, जबकि ये एक जमहूरी मुल्क है पाकिस्तान, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे जो है ना वो चोरों की हुकूमत नहीं चलती, यहाँ पे चलती है अवाम की वोट की हुकूमत, और यहाँ से हुकूमतें बनती है वोटों से ना के लोटों से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक मिनट मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, आज हम दोबारा पहले मौजूद थे चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती के लिए, आज भी हम मौजूद हैं चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती के लिए। मोटो ये है कि अब 8 रुकनी बेंच जो है ना वो बन गया है, और जो है ना वो कैसे कैसे किरदार खुल खुल के सामने आ रहे हैं। अब वो हिसाब तो नहीं हो गया होगा ना कि अब कोई आएगा और हमें कहेगा जा जो है ना फलस्तीन से निकल जाए इसराइल, और हम निकल जाएंगे, वकील अपनी अदालतों से निकल जाएंगे, जिस तरह इन्होंने हमारे लिए रास्ते बंद किए, दरवाजे बंद किए। वकला को ये उकसाते हैं कि वकला जो है ना वो इस तरह की कोई ऐसी हरकत करें और ये वकला को बदनाम करें, वकला गर्दी की जो है ना मिसालें कायम करें और वकीलों को बदनाम करें, इदारों को गंदा करें। जो है इन्होंने इस चीज के लिए आज भी हमारे लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, और फिर भी हम यहाँ पे मौजूद हैं और हम बताएंगे इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को, इस चोरों की। और एक और बात, ये इम्पोर्टेड चोर चौकीदार, आज मैंने चौकीदारों की ताकत देखी है कि वो इदारों वकला के इदारों के बाहर खड़े होके वकला को अंदर जाने नहीं देते। कहते हैं कि जी सानू मछालियां का ऑर्डर है, सानू बांदरी, कहते हैं जी सानू बांदरी का ऑर्डर है कि जी नहीं जान देना शेरा नू, कहते हैं सानू बांदरी का ऑर्डर है कि शेरा नू नहीं जान देना, बांदरी शेरा नू नहीं रख सकती। ठीक है, तो वकील जो है ना दरवाजे उन दरवाजों से इन्होंने हमें कैद करने की कोशिश की 3 रास्तों से, हम फिर भी जो है यहाँ पे आए क्योंकि है हक हमारा एक ही नारा है, हक हमारा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तुम्हें देनी पड़ेगी, तेरा बाप भी देगा, तेरा तो बाप भी देगा, अब यहाँ पे दो से मुराद है तेरे बाप का बाप भी देगा। तो हम यहाँ पे कानूनी तरीके से, जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से, दस्तूरी तरीके से अपना हक मांग रहे हैं। आपके पापा की जायदाद नहीं मांग रहे, मरियम के जो है ना वो कतरी हक नहीं मांग रहे, हम एवन फील्ड की रसीदे आपसे नहीं मांग रहे, हम यहाँ आपसे मांग रहे हैं पाकिस्तान के अंदर फेयर इलेक्शन, पाकिस्तान के अंदर फेयर अदलिया, पाकिस्तान के अंदर आजाद काला कोर्ट, जो कि नहीं है। ठीक है, हर उठती हुई गोली, हर उठती हुई मुजाहमत जो है ना, वो वकील के सर से ही होके, वकील को ही अपना सर देना पड़ता है। वकील अब बना दिया, वकील ने पाकिस्तान बचा लिया, वकील ने पाकिस्तान ठेका लगा हुआ वकीलों का, पाकिस्तान का। आप लोग भी निकले, ये जो गेट पे इन्होंने चौकीदार तैनात किए हुए ना, मैंने इनको पर्सनल रिक्वेस्ट में बड़ी मोहब्बत से बोला कि भाई आजादी तुम लोगों का भी हक है। उन्होंने बोला कि साड़ी तनखावा रोक लेंगे, सामने वो तनखावा नहीं देंगे। तो ये मैं इनको कितनी बुरी तरह से इन्होंने थ्रेट किया हुआ है कि एक चौकीदार खड़ा होकर वकील को कहता है कि दफा हो जाओ, तुम इतो लैंड की आए हो, 11 में हम आए, हमें नहीं।
हम यहाँ दावतों में आते हैं, हमें अंदर जाने नहीं दिया जाता जो है ना, इनके हवारी है, इनके टट्टू और इनके टट्टुओं के टट्टू जो है ना वो वकीलों के आगे दाड़ते हैं और फिर वो बांदरी जो है ना वो बांदरी को डिक्टेट करते हैं, वो बांदरी को डिक्टेट करते हैं और कहते हैं जी सानू पिछे आका दा ऑर्डर है। केड़ा आका? केड़ा आका? पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ठीक है, पाकिस्तान जो है ना वो हम सबका मुल्क है। मैं जनरल लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका भी मुल्क है, यकीन करें कि हम यहाँ पे जब 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 इन्होंने हमें पीछे से मार धाड़ की है ये काले कोट की वजह से कि ये उतार देते तो ये कहते कि नहीं जी लग जाओ साढ़े ना सारे इदारे, तो इतना खौफ है इनको काले कोट वालों से। वो चोरनी परसों कन्वेंशन करवाने पहुंची हुई थी खान साहब की रीसों में, तो मैं नहीं समझती कि वहां पे खाली कुर्सियों को जाके वो ठठे मार मार के बता रही थी। मेरे वकीलों, कौन से वकीलों, ये है सारे वकील पाकिस्तान के वकील, ये है आइन के वकील, अब वो तो ये है आइन के वकील, ये है कानून के वकील और फिर ये है इमरान खान के वकील और फिर ये जो है ना ये नहीं है बांदरी के वकील, ये नहीं है चोरों के वकील, ये नहीं है चौकीदारों के वकील। मैं भी एक कर्नल की बेटी हूँ लेकिन चोरों को मैं सपोर्ट नहीं करती, चौकीदार को काम ही नहीं है कि वो चौकीदारी छोड़े और पीछे आ जाए, ठीक है, चौकीदार को उसकी औकात दिखाने का वक्त है कि चौकीदार की जोरिस्डिक्शन गेट के बाहर की है, गेट के अंदर की नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, जिंदा है वकला, जिंदा है वकला जी, जिंदा है वकला, जिंदा है वकला।